बोल देते फैमिली के साथ बाहर गए थे। अबे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना टीचर्स छुट्टी अलाउ कर देंगे। तो फिर क्या करें मैं? हुआ क्या यार, टीचर्स बहुत होमवर्क करवाते हैं और पढ़ पढ़ के वैसे ही परेशान हो चुके हैं हम। और वैसे भी एग्जाम से एक महीना पहले कौन स्कूल जाता है? कौन गरम गरम रजाई से बाहर निकले, मैं तो तकिए को कडल करके सो जाता हूँ। तेरी जिंदगी में और है ही क्या कडल करने के लिए, इसको कोई समझा। किससे बात कर रहा है? मैं ही हूँ यहाँ पे, मुझे भी नहीं समझा। समझा, इसने नंगी के नाम पे सिर्फ नंगी तारे पकड़ी है। ओए 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 ओए, मास बंक करे। मास बंक कैसे? सबको कन्विंस करेंगे ना एक साथ छुट्टी लेने के लिए। मैं जो क्रिकेट के लिए सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, मास बंक के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? अबे ये मास बंक है, हर बच्चे का सपना होता है मास बंक, हर बच्चे का अधिकार होता है मास बंक। अकेले अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में टीचर की गाली खाने का मजा होता है मास बंक। किताबों से कुछ पल के लिए आजादी पाने का जरिया होता है मास बंक। वेट गेनर होता है मास बंक, चूती है वो एंडुरा मास होता है। हाय गाइस। हाय हाय। अबे चूती है लिख। अच्छा क्यू की स्पेलिंग क्या होती है? क्यू 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 यू नहीं क्यू यू ई यू क्यू ई क्यू एक्स एच ई क्यू ई एक्स। अबे डिक्शनरी पे पढ़ी ग्रह शोभा, चुप। एक नहीं क्यू यू ई यू ई क्यू यू ई यू ई क्यू ई। अबे तू लिखना है यार। रीजन ये है कि भुवन को खांसी हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पूरी क्लास उसको देखने गई है। टीचर्स मानेंगे? मैच खांसी तो किसी को भी हो सकती है। इतने सारे बच्चे तेरे को देखने जा रहे हैं।